हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूंग दाल की बहुत ही अलग तरीके की पकौड़े की रेसिपी। आपने पकौड़े तो कई बार कई तरीके से बनाए होंगे, मूंग दाल के पकौड़े या कई चीज़ के पकौड़े, और ये पकौड़ा बिल्कुल अलग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने मूँग दाल को 2 घंटों के लिए फुला लिया हुआ था, आधा कप मूँग दाल को। देखिए अच्छे से फूल गए हैं, तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो दोस्तों, इसे हमें बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है, एकदम दरदरा पीसना है। और चलिए इसे पीस लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसा पीसना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मोटे मोटे कड़ब हैं अभी, तो इस तरीके से हमें पीसना है। और थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब आप रख लीजिएगा साबुत मूंग दाल इसमें से, और इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे, और 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कट कर डाला है, और 2 बड़ी साइज के प्याज को बारीक कट करके डाला है, थोड़ा सा करी पत्ता डाला है, नमक स्वाद के अनुसार, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसमें पानी हम नहीं डालेंगे दोस्तों, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए अब इसे फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम है, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। तेल अच्छा गरम होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान देना है, नहीं तो पकौड़े ऑयली हो जाते हैं। और एक बार में जितना पैन या कढ़ाई में डालेंगे, उसके बाद एक साइड जब ये फ्राई हो जाए, दूसरी साइड पलट लेंगे। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है ये पकौड़ा बनाना, बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको कुछ खाने का मन हो कुरकुरा चटपटा, तो ये पकौड़ा झटपट बना लीजिएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना बढ़िया क्रिस्पी हो गया है, इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा टेस्टी ये कुरकुरा पकौड़ा बना है। आप घर पे बनाएंगे तो बच्चे बाज़ार नहीं जाएंगे लाने के लिए, और घर का बना हुआ खाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों अपने मनपसंद चाय या चटनी के साथ इसे इंजॉय करिए। दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा ये टेस्टी बना है, बिना चाय चटनी के भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। दोस्तों इंजॉय करिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो।